अब देखिए इसमें रणनीति क्या कहती है, आपको 150 नंबर नहीं लाना है भाई। और सबसे बड़े गलती यही करते हैं हम लोग, जब बड़ा काम होता है ना तो हम लोग थक जाते हैं और सोच लेते हैं कि हमसे नहीं होगा। मतलब सीधी सी बात, हमने गधों की तरह वहां पर मेहनत किया और हमको हमारे हाथ जो है कुछ नहीं लगा। तो नमस्कार दोस्तों, और जो थंबनेल में लिखा है वो बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा परिश्रम गधा करता है, ठीक है ना, लेकिन उसको कोई जंगल का राजा नहीं बोलता, उसको कहना चाहिए जानवरों में इररिस्पेक्टेबल कहा जाता है या माना जाता है। तो सबसे पहले तो यही समझिए कि कोई भी एग्जाम ना बहुत ज़्यादा मेहनत करके नहीं क्रॉस की जाती, या दूसरी भाषा में कहें इतने सारे लोग रात दिन पढ़ते हैं रात दिन पढ़ते हैं तो क्यों नहीं सफल हो पाते हो लाइफ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करने से आदमी को सफलता नहीं मिलती। और चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और उससे हो सकता है आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बात ऐसी है कि मेरा एक खेत है नाला किनारे, और वहाँ पर एक बड़ा सा आम का पेड़ था हमारा, बहुत बड़ा था, वो गोल था लेकिन, और बहुत बड़ा था उसका, कहना चाहिए समय हो चुका था। तो वो पेड़ जो है सूख गया, और सूखने के कारण जो है हमने उसको बड़ी मेहनत से काट के ज़मीन में गिरा दिया। गिराने के बाद जो इसका जो पूरा जो थंगाल था वो हमने क्या कर दिया, अलग निकाल दिया। अब क्या हुआ, वो मेड़ तो हमारा था लेकिन खेत दूसरे का था। अब दूसरे के खेत में वो गिरा हुआ है और वो बहुत बड़ा जगह जो है वो घेर रहा था। तो इससे हुआ कि वो खेत वाला बोला कि भाई इससे मेरा फसल नुकसान हो रहा है और हमको जो है एक निश्चित मात्रा में धान इसका हर जाना चाहिए और हमको देना पड़ा। अगले साल जैसे हुआ हमने उसको जो है सोचा कि भाई इतना सारा जो हमको धान देना पड़ रहा है 11 कट्ठा या जो भी था उस समय, इसको हम अब ले जाएंगे अपने घर, क्योंकि इतना बड़ा आम का पेड़ है, क्योंकि उसमें टांगी या टांगा जो है उससे कुछ नहीं हो सकता, बड़ा सा या तो आरी लाना पड़ता या फिर कुछ और इतना बड़ा आरा जो है था नहीं गांव में, उसको घुमाना भी पॉसिबल नहीं था, और इतना बड़ा पेड़ था। आप समझते होंगे पहले, अभी तो पेड़ एकदम छोटे छोटे हो रहे हैं, पहले बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए थे। तो बात बनी, हम लोग ट्रैक्टर लेकर गए, और हम लोग खुद 5 भाई हैं और 5ों मेरे जैसे ही हैं मान के चलिए, सब एक से एक ताकतवर, और हम लोग आसपास के 10 लोग और ले गए, मतलब टोटल कितने हुए 15 लोग। 15 लोग हम लोग गए, और उसमें पूरा जो लकड़ी है उसमें हमने बड़ा बड़ा जो जिसको क्या बोलते हैं म्यार बोलते हैं छतगढ़ी भाषा में, बड़ा बड़ा लकड़ी फिट किया, और उसके बाद उसको ट्रैक्टर में चढ़ाने के लिए कोशिश करने लगे। अब यकीन मानिए हम लोग 15 लोग, वो इतना बड़ा था कैसे चढ़ता, सभी लोग ने थक हार कर बोला कि इसके लिए जेसीबी लाओ तभी ये होगा नहीं तो नहीं होगा, कहके सब लोग छोड़कर आ गए। तो होता यही है, हम लोग जब बड़ा काम होता है ना तो हम लोग थक जाते हैं और सोच लेते हैं कि हमसे नहीं होगा। मतलब सीधी सी बात, हमने गधों की तरह वहां पर मेहनत किया और हमको हमारे हाथ जो है कुछ नहीं लगा, सब लोग आ गए। अब इसके बाद क्या हुआ कि हमारे ही गांव के, और वे व्यक्ति जो है अभी खत्म हो गए, उनको जो है पता चला, और वो ऐसी जो है ठेका वाला काम करता था, क्योंकि वो था एक नंबर का कहना चाहिए पीने वाला, बहुत ज्यादा वो ड्रिंक करता था, और उसी के कारण ही जो है ना उसकी मृत्यु हुई अंत में। लेकिन ये भी मानिए जो ड्रिंक करते हैं ना उनके में बहुत दिमाग होता है, बशर्ते उनको पीने को ना मिले और ऐसा कुछ कहा जाए जिसको करने से उसको पीने को मिले या ड्रिंक करने को मिले, इससे उनको दिमाग जो है बहुत चलता है। तो देखिए वो मेरे पास आया और बोला गुरुजी जो है मैं जो है बोला ले आऊँ, मैं उसको ले आऊँगा लकड़ी को भर कर। तो मैं बोला भाई हम लोग 15 लोग गए थे, तुम क्या गाँव भर के लेके जाओगे हैं, और उसके बाद भी मैं कितना पैसा दे पाऊंगा। तो वो बोले कि गुरुजी कहते हैं आप मेरे को ना केवल 1500 रुपये दे देना। अब मैं वहाँ पर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये 1500 में कैसे कर पाएगा, बताइए हम लोग 15 जने गए थे, 5 भाई तो हम ही लोग हैं, और 7-8 जने मतलब 12-13 लोग तो गए ही थे। उसके बाद वो लकड़ी जो है उठा ही नहीं, क्योंकि ट्रैक्टर और खेत जमीन वो दोनों का डिस्टेंस है, आप समझ सकते हैं जमीन से ट्रैक्टर का जो ट्राली का डिस्टेंस है वो 3 फुट तो होगा ही होगा, और उतना बड़ा लग रहे 3 फुट उठाना 15 क्या। मैं तो सोचता हूँ हम लोग भले ही चले गए थे लेकिन क्या है ना, दूर से कोई चीज़ छोटा दिखता है लेकिन जब नज़दीक जाएंगे तो पता चलता है वो बहुत बड़ा होता है। 15 जने तो उसको उठा ही नहीं सकते, तो ये कहाँ से कर पाएगा। तो मैं उसको बोला देखो भाई, मैं बोला जाओ तुम ले आना, ठीक है 1500 रुपये मैं दूंगा। तो वो बोला कि गुरु जी बोला 500 रुपये ही एडवांस दोगा। तो मैं सोचा भाई कि तुम तो पीने पाने वाला आदमी है ना, मैं तुमको पैसा दूंगा और तुम नहीं करोगे। तो मैं उसको ये बोला कि 1500 की जगह मैं तुमको 1700 दूंगा,
लेकिन तुम लेके आओ, और मैं चला गया अपने स्कूल। ठीक है, अब देखिए उसने एक्चुअल में किया गया, वो ले आया लकड़ी को और मेरे को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। और आश्चर्य होने के बाद मैं जो है ना उसको बोला कि चलो मेरे साथ का, कि मैं तुमको वही पैसा दूंगा, क्योंकि मेरे को बड़ा ही विचित्र लगा। इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतने साला कहना चाहिए हम लोग ताकतवर लोग हैं, पांच पांच भाई दस दस जने और लेके गए, उसके बाद नहीं कर पाए, ये आदमी कैसे कर लिया। वो भी वो सात आदमी लेके गया था, मुश्किल से, उससे ज्यादा नहीं लेके गया था। तो वो मेरे खेत के पास गया, फिर उसने समझाया और मैंने भी उस चीज को देखा। तो देखो उसने क्या दिमाग लगाया था, हमारा खेत था नाला किनारे, नाला किनारे खेत जो है, एक खेत ऊपर है उसके बाद नीचे, उसके बाद नीचे, इस प्रकार से होता है, आप भी समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमारा जो खेत था, उस खेत के जो नीचे वाला खेत था वो लगभग 2 से 2.5 फीट नीचे था। ये अक्सर होता है, आप खेत खलिहान के बारे में जानते होंगे। अब उसने क्या किया देखिए, पहला काम किया, वो जो लकड़ी था उसको एक रेल का पटरी टाइप बनाया, बड़ा बड़ा काड़ लगा के खेत के जमीन में कहना चाहिए, और उस रेल में उसने उसको घुमाया, तो लकड़ी जो है फिसलेगा या गोल घूमेगा, क्योंकि लकड़ी तो गोल था, सात आठ जने गोल, हम लोग भी उसको गोल घुमा सकते थे, हम लोग को समस्या क्या हुई उसको ट्रैक्टर में चढ़ाने में, क्योंकि ट्रैक्टर में चढ़ाने में उसको 6 फीट ऊपर इस प्रकार से रैंप में चढ़ाना था, लेकिन ये हम लोग नहीं कर पाए। उसने क्या किया, उसने खेत के मेड़ तक उस लकड़ी को लाया, उस रेल का एक दो पटरी बना के रैंप बना के, उसके बाद क्या किया उस आदमी ने, ट्रैक्टर को खेत के, हमारे खेत के नीचे वाले खेत में रखा। अब देखिए वो ट्रैक्टर जो है, अब मान के चलिए जमीन से 3 फीट ऊपर थी, और अब वो ट्रैक्टर जो है जमीन से कहना चाहिए 1 फुट या 1.5 फुट ऊपर हो गया, मतलब लकड़ी का लेबल जो तल है और ट्रैक्टर के जो ट्रॉली का लेबल है वो जो है 1 से 1.5 फुट डिफरेंस हो गया। अब उसने क्या किया, क्या है कि 1 से 1.5 फुट ऊपर भी उस लकड़ी को चढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने जो ट्रैक्टर जो कहना चाहिए जहां पर खड़ा था, उसका जो दोनों ट्राली है, दोनों चक्का के जगह में उसने 1 फुट गड्ढा खोद दिया, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, वास्तव में वो इस प्रकार से हुआ कि लकड़ी ऊपर हो गया और ट्रैक्टर का ट्राली नीचे हुआ। अब देखिए इसके बाद उसने क्या दिमाग लगाया, देखिए यदि वो ट्रैक्टर में गड्ढा करता है उसके चक्का में, तो गाड़ी तो चढ़ेगा ही नहीं, ऊपर नहीं चढ़ेगा ना, सीधी सी बात है। तो उसने क्या किया, वो जो दोनों चक्का है, ठीक है ना, उसके एक चक्के में उसने क्या कर दिया, जेक लगा दी। आप सोचिए कितना दिमाग भाई, हम लोग उसको ऊपर चढ़ा रहे थे और वो लकड़ी के बराबर में ले आया ट्रैक्टर को, ट्रॉली को, और उसने एक चक्के में क्या कर दिया, जेक लगा दिया, ठीक है। लकड़ी को आराम से उसने, मतलब अब भाई बराबर में आ गया तो गोल घुमाते घुमाते वो ट्रॉली में समा गया, उसके बाद जो है चक्का दबा, ठीक है ना। तो एक चक्के में तो उसने ऑलरेडी जेक लगा दिया था, जेक को ऊपर किया और चक्का को किसके कर दिया, खेत के बराबर, दूसरा चक्का नीचे था, लेकिन इतना ताकत होता है ट्रैक्टर में, एक चक्का यदि ऊपर है तो उसको खींच लेगा, और उसका जो प्लान था वो सही था, अगर नहीं भी खींचता तो दूसरा चक्का के लिए वो रेम बना देता या फिर वहां पर वो क्या कर देता, जेक लगा देता। अब इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए बड़ा चीज करना है ना आपको, तो आप इस भुजा का बल का दिमाग, भुजा का जो है ना ताकत है वो मत अजमाइए, और हम सब यही करते हैं, बड़ा परीक्षा है, रात दिन जो है गड़ जाते हैं परीक्षा में। नहीं भाई, परीक्षा को क्रैक करने की कोशिश करो, स्मार्ट तरीका से सोचो कैसे उसको क्रैक किया जा सकता है। ये नहीं कि हम लोग गधे बन गए उसके सामने, वो सात आदमी लेके गया, वो ले आया उसको, उसने कोई मतलब हाथी का टांग नहीं तोड़ा है, उसने केवल अपने दिमाग लगाया और कुछ नहीं। अब इसी को चलिए, अभी जो शिक्षक एग्जाम है इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, और खैर इसीलिए वीडियो जो है बन रहा है कि आपने कैसे एग्जाम क्रॉस किया, तो ये छोटा सा इस पर मैं अपना जो है मत देता हूँ। इसके बाद जो है और इसका सीरीज आएगा कि कैसे आप एग्जाम जो है क्वालिफाई करें और कैसे जो है क्रॉस करें, कैसे जॉब एक्वायर करें। मेरी बात मैं पहले बताया था, ये 9वां जॉब है जो कहना चाहिए, मेरा सिलेक्शन हो रहा है लेकिन मैं नहीं ज्वाइन कर रहा। तो देखिए ये जो शिक्षक सहायक शिक्षक का जो जॉब हुआ ना, मैंने पढ़ाई नाम का चीज तो सुन लिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी शिक्षक हूँ, मैं क्यों पढ़ूंगा भाई, ठीक है ना, मैं क्यों पढ़ूंगा। मैंने परीक्षा दिलाने के 2 दिन पहले इस चीज का रिसर्च किया था कि इसमें गणित के क्वेश्चन किस लेवल के हैं, पहला चीज, इंग्लिश का जो 25 नंबर या 30 नंबर का है वो कैसे आता है, और लास्ट जो है
कंप्यूटर का, कंप्यूटर का तो जनरली आता ही है 10 नंबर का, और जीएस, ठीक है, इसका जो स्तर है मैंने देख लिया था। उसके बाद पिछले साल का जो कट ऑफ था वो मैंने देखा था, वो लगभग 73 से 75 तक था। अब देखिए इसमें रणनीति क्या कहती है, आपको 150 नंबर नहीं लाना है भाई। और सबसे बड़ी गलती यही करते हैं हम, 150 नंबर लाने के चक्कर में 15 जने गए थे उसमें जी तोड़ कहना चाहिए मेहनत करते हैं, जबकि इसकी जरूरत नहीं। आपको 150 नंबर नहीं लाना है, आपको लाना है, मान के चलिए अधिकतम लाना है तो 90 नंबर। 90 नंबर में आपका सब में हो जाएगा, किसी में भी हो। तो उदाहरण के लिए मैं क्या हूं, ओबीसी कास्ट, ठीक है, मेरे को कितना एक्वायर करना है, लगभग 80। अब देखिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरा 80 नंबर कहां से आएगा और किन क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा। तो पहला देख लीजिए, मैं गणित का स्टूडेंट हूं और गणित मेरे में कूट कूट के भरा है, तो गणित में मेरा 30 में 30 मैं मान के चलता हूं, एक दो नंबर कम हो जाए, 30 नंबर वो ले लीजिए। 10 नंबर का कंप्यूटर मेरा बनेगा ही बनेगा, तो 30 10 कितना हो गया, 40 हो गया। जो सामान्य ज्ञान है 20 नंबर का है उदाहरण के लिए, तो मेरे को उसमें पूरा उम्मीद रहता है 50% क्वेश्चन जो है डील होता है, क्योंकि इतना दिन से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं भी होगा तो मान के 25 क्वेश्चन मान के चलिए, तो कितना हुआ है, 30 10 40 और 10 50। अब आ जाइए इंग्लिश में, इंग्लिश में मुझे पता है कि अनसीन पैसेज आना है 2, और अनसीन पैसेज को बनाने के लिए कोई एकदम रॉकेट साइंस नहीं लगता, उसको पढ़ के उसको समझना पड़ता है। आधे लोग अपना समय इसी में बर्बाद कर देते हैं 150 क्वेश्चन को डील करने में, इसलिए जो अनसीन पैसेज है ना उसको पढ़ने का उनके पास मौका ही नहीं होता, इसलिए उसको गलत करते हैं। मेरे को अच्छी तरीके से पता है इंग्लिश का जो अनसीन पैसेज है वो मैं डील करूंगा, 10 नंबर मेरे को मिलेगा, वो 10 नंबर मेरे को मिला। उसके बाद है पेटागॉजी, मैं इतना दिन से टीचर हूं तो पेटागॉजी के मेरे को पता ही होगा 50% क्वेश्चन वो डील होना ही होना है मेरे से इस तरह से, ठीक है। तो कितना हो गया, 30 मेरा गणित हो गया, 10 कंप्यूटर हो गया, और 30 10 40 10 कितना हो गया, वो जो जीएस है वो हो गया 50 या 5 ले लीजिए, 45 ले लीजिए। उसके बाद अंग्रेजी ले लीजिए, तो 45 10 55 हो गया, और मान के चलिए 10 नंबर का आप कहना चाहिए 55 10 65 हो गया, और हिंदी ले लीजिए, ठीक है। अर्थात मेरा जा रहा है, मेरा जो गणित है उसके हिसाब से 75 नंबर का मेरा एक्यूरेट जा रहा है, मेरे को पता है ना। तो भाई मैं दूसरे क्वेश्चन को क्यों छूं, मेरे को मेरा 80 नंबर मिल गया, मैं संसार को क्यों लूं। मैं आपको यकीन नहीं होगा बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने देखा भी नहीं है, और किसी क्वेश्चन को छोड़ने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपको उस क्वेश्चन को ना डील करके या उसमें 5 मिनट खर्चा करके छोड़ते हैं ना, तो आप सीधी सी बात कहना चाहिए उस पेपर को नहीं डील कर पाओगे, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी समय दे दिया है। तो इन सभी एग्जाम में ना किस क्वेश्चन को बनाना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, बल्कि किस क्वेश्चन को छोड़ना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो और इस पर आगे विस्तृत चर्चा चलेगी ये सीरीज जो है, बाकी आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन है तो आप मेरे से कर सकते हैं, और मैं जो बता रहा हूँ ना वो मैं लिटरली एक्यूरेट बता रहा हूँ, मैं कोई गलत नहीं बता रहा हूँ। मैं एग्जाम को पढ़ने में ज्यादा कम दिमाग खर्चा करता हूँ, उसको समझने में, उसका स्ट्रेटजी ज्ञात करने में, वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, सिलेबस कहाँ से ले रहा है, कितना कट ऑफ है, पिछले साल क्या आया, इन सब में ज़्यादा मेहनत करता हूँ, वरन इसके कि उसको रटने में। तो धन्यवाद दोस्तों, जो समय यहाँ पर 15 मिनट का वीडियो बन गया, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।